एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार ने आज राजौरी जिला के तमाम लोगों को मुल्क के युमे आज़ादी के मौका पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने लोगों से ये अपील भी की कि वो हुकूमत की तरफ से शुरू की गई हर घर तिरंगा मुहिम का हिस्सा बने व अपने अपने घरों पर भी कौमी झंडा लहराएं। इसके अलावा एसएसपी राजौरी रणदीप कुमार ने यह जानकारी भी दी कि युमे आज़ादी को मद्देनजर रखते हुए राजौरी जिला में हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि तमाम तरह के जश्न व दीगर प्रोग्राम आसानी से पुरमन तौर पर मुनक्किद हो सके। एसएसपी की तरफ से लोगों से ये अपील भी की गई है कि वो सड़क पर चलते वक्त अगर कहीं पे भी पुलिस या किसी और हिफाजती दस्ते का कोई नाका देखते हैं तो वहाँ मौजूद अहलकरान का तहवन दें और उन्हें चेकिंग करने में मदद करें ताकि ये अलर्टनेस पूरी तरह से बरकरार रखी जा सके और बगैर किसी मुश्किल के सड़क पर खड़े पुलिस व दीगर फोर्सेस के जवान अपनी ड्यूटी दे सकें। मैं सभी राजौरी वासियों को अतरते स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हर साल की तरह स्वतंत्रता दिवस हमारा पुलिस की डीपीएल में सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल की तरह इस बार भी हमने सिक्योरिटी के पूरे बंदोबस्त किए हैं। जहाँ तक आपने सरहदी इलाकों का बताया, सरहदी इलाकों में भी पूरे तरीके से हमारी आर्मी डिप्लॉयड है, पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और हर एरिया में अच्छे तरीके से हमने पूरा इंतजाम किया हुआ है। इस सिलसिले में हमने ऑलरेडी तिरंगा रैलीज भी ऑर्गेनाइज की हैं, स्वच्छता पखवाड़े का भी हमने आयोजन किया है और एक पेड़ शहीद के नाम हमने 12-13 स्कूल के बच्चों को भी साथ में लेके और उन शहीदों के नाम पर भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए हमने उनके नाम पर पेड़ भी लगाए हैं। और मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि इस बार बढ़ चढ़कर हमारे स्वतंत्रता दिवस में पार्टिसिपेट करें, इसको सेलिब्रेट करें और हर घर में इस बार हमारा तिरंगा जो है लहराएगा और अच्छे तरीके से सेफ तरीके से हम लोग इस बार जो है हमारा ये जो 15 अगस्त है सेलिब्रेट होगा। इसमें नाकाज पे चेकिंग की जा रही है। मैं सभी से भी अपील करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पुलिस फोर्सेज या पैरामिलिट्री के जो भी डिप्लॉयड हैं उनके साथ कोऑपरेट कीजिए क्योंकि वो सब आपकी सेफ्टी और आपकी सुरक्षा के को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये सारे सुरक्षा की को कड़ा करने के लिए हम लोग ये इंतजाम कर रहे हैं। और कहीं पे भी अपने एरिया में भी थोड़ा सा चौकस रहें, कहीं पे किसी को कोई सस्पिशियस चीज़ दिखती है, कहीं कुछ पता चलता है तो हमारे कंट्रोल रूम के नंबर हैं, हमारे पुलिस स्टेशन के नंबर हैं, हमारे SHOs के नंबर हैं, हमारे नंबर भी आपके पास हैं तो आप उस पर भी हमारे साथ कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इमीडिएटली हमारे साथ शेयर कर